आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और हाँ, एसएससी जीडी 2018 का जो वैकेंसी है वो आ चुका है फाइनली, और आज 21 जुलाई है। सो आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, किस साइट से फिलअप करना है, एज लिमिट क्या है भैया, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, पहले एग्जाम क्या होगा, पहले फिजिकल होगा या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होगा, या फिर भैया तैयारी कैसे किया जाए, टोटल जानकारी, मैं जितना भी आपका माइंड में डाउट है, फिजिकल में क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं होगा, मेडिकल में क्या क्या लगेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और तैयारी कैसे कराई जाए ये भी मैं बताऊंगा आपको A to Z, ठीक है। तो लेकिन कम से कम आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, ठीक है। अब देखो, कल शाम को, यानी आप देख रहे हैं सक्सेस की 98 पर, कल शाम को 4 बजे, कल क्या है, कल 22 जुलाई है, कल आपको मैं लाइव आकर बताऊंगा एसएससी जीडी आरपीएफ और बिहार पुलिस की तैयारी कैसे कराई जाए, ठीक है, कैसे करवाना है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है लेकिन खिचड़ी पक रहा है, बहुत सारा एक समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये किस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। कल सब कुछ A to Z आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे शाम को 4 बजे सक्सेस की 98 पर। सो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है कल शाम को 4 बजे, तो सक्सेस की 98 को खोल कर यूट्यूब के ऊपर एक बार लाइव सेशन में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। टाइम याद रखिएगा कल शाम को 4 बजे। और जो टोटल पोस्ट है तीनों एग्जाम का वो कितना है, 76,683। और आपको भी पता है तीनों एग्जाम जो है डिफेंस से रिलेटेड है, तो सिलेबस मोर और लेस सेम एक जैसा है, पानी की तरह आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा फुल गाइडेंस के साथ, ठीक है। अब चलो बात करते हैं एक चीज और, जितना भी रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी और ALP का, ठीक है ना, आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जाएगा 25 जुलाई को दिन में 10 बजे, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट PDF टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, और सीक्रेट ग्रुप जो भी, लेकिन हाँ ये नहीं कि आपने सीक्रेट ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपको सारा PDF मिल गया, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं जो भी एग्जाम को लेकर सीरियस है रेलवे ग्रुप डी और ALP का, प्लीज वही लोग स्टूडेंट इन सेशन को ज्वाइन करिएगा, बहुत ही ज्वाइन करना यूट्यूब के ऊपर 25 जुलाई को दिन में 10 बजे लाइव आऊंगा, तो चैनल को खोलकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं जो GD का वैकेंसी है, आप सभी को पता चल गया होगा कि 54,953 टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितने हैं 54,953, उसमें जो जनरल के लिए है वो 24,595 है, और फीमेल के लिए है इतना, ठीक है, और ओबीसी में मेल के लिए कितना है 10,215 और फीमेल के लिए 1,751। वहीं पर अगर मैं बात करूं ST का, तो आप भी देख रहे होंगे मेल के लिए 4,325 है और फीमेल के लिए इतना, और SC के लिए भी थोड़ा ज्यादा है 8,172 और फीमेल के लिए 1,283, ठीक है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि किसमें कितने पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए। अब मैं बात करता हूं एज लिमिट, जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है। अब बार बार आप लोग ये मत पूछिएगा भैया मेरा इस दिन जन्म हुआ है, मेरा एक दिन ज्यादा है, क्लियर मेंशन किया गया है 18 से 23 के अंदर आपका एज आता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब देखो जो एप्लीकेशन फीस है, जो आपको एप्लीकेशन फीस देना है वो 100 रुपीज है जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी SC ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन के लिए फीस जो है वो क्या है 0 रुपीज रखा गया है, ठीक है। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है सिलेक्शन कैसे होगा, बहुत जगह डाउट है कि पहले फिजिकल होगा कि रिटेन होगा, नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है पहले रिटेन होगा फिर फिजिकल फिर मेडिकल टेस्ट, मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर भी अभी लेकर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे स्टूडेंट को यह सब पता चल पाए, ठीक है। आगे देखते हैं अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे टोटल 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो 25 क्वेश्चन कवर करेगा वो रीजनिंग का, 25 जो कवर करेगा वो GS यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर बोल सकते हैं दोनों मिलाकर, ठीक है। मैथ से आपका आएगा 25 नंबर और यहां पर ऑप्शनल है, यानी आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी, ठीक है। ये 25 नंबर का रहेगा और ये कवर करेगा 25 नंबर, यानी टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे 100, और इसके लिए मार्क्स मिलेंगे टोटल 100 और टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट्स का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या है, ठीक है। चलिए
जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि किसमें कितना पोस्ट है, आप देख लेना एक बार वीडियो पॉज कर, बीएसएफ में कितना है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में कितना है, एसएसबी में कितना है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो आपको देखो यहां पर आपको एज में थोड़ा छूट मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, आप ये देख लेना, ठीक है। नीचे आइए, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको पहले वो दिखाता हूं, इस नोटिफिकेशन का जो हाईलाइटेड है। थोड़ा नीचे आएंगे, हाँ यहां पर देखिए जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो कहां से कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई देखिए दिया गया है आपका जो बोल्ड कर मेनू, उसमें नीचे देखिए www.ssconline.nic.in है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा www.ssconline.nic.in, ठीक है। नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप देखेंगे ये आपके एग्जाम सेंटर है जो आप देख सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहां देना पर होगा, आप देख लीजिएगा अपने स्टेट के अनुसार, ठीक है। नीचे आइए, अब थोड़ा नीचे आने के बाद देखो आपको यहां पर लिखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, पहले होगा सीबीटी, यानी पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा फर्स्ट नंबर, दो नंबर पर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और यहां पर एक चीज क्लियर मेंशन किया गया है आपको मैं दिखा दे रहा हूं, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीई, ठीक है, यानी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो कैसे होंगे, उनके जो भी एग्जाम होगा ऑनलाइन, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पहले एग्जाम होगा वो रिटेन होगा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी एंड पीसीटी बाई कमीशन, फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय एट अ वेरी सेंटर फाइनलाइज्ड बाय द सीएपीएफ, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे, थोड़ा आपको मैं ये बता चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या है, कैसे एग्जाम का पैटर्न है, आप एक बार देख लो पीईटी में क्या क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, ये चीज आप याद रखना। जो रेस होने वाला है मेल के लिए ना, वो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पूरा करना है, ठीक है, याद रखिएगा। और वही बात करें अगर फीमेल के लिए तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है। और जो लद्दाख रीजन से हैं उनके लिए भी दिया गया है ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आइए, हाइट देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस नोटिफिकेशन का। देखो जो हाइट मेंशन किया गया है जनरल एससी ओबीसी के लिए वो है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट एसटी के हैं उनके लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 है, और बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं किस किस स्टेट के लिए कितना कितना रखा गया है, सभी स्टेट के लिए नहीं, कुछ कुछ स्टेट के लिए, ठीक है। अब जो सिलेबस है आपके एग्जाम में, आपको पता है रेलवे एसएससी आरपीएफ सेम सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं आता है, वही सिलेबस रीजनिंग का होता है, जो अगर आप एसएससी को फॉलो करेंगे तो वही होगा, मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन हाँ, कल शाम को 4 बजे टाइम याद रखिएगा, लाइव आकर आपके साथ डिस्कस करूंगा तैयारी कैसे कराई जाए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, करंट अफेयर भी रहेगा इसमें, मैथ में देख लो, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी में क्या है, ऑप्शनल है, यहां पर आपको आइदर इंग्लिश और या फिर हिंदी में, ठीक है। आई होप आपका मोटा मोटी सब डाउट क्लियर हो गया होगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूं, और चेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, गर्ल्स के लिए कोई यहां पर क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन जो बॉयज है उनके लिए बोला गया है 80.5, ठीक है, मेल के लिए बिना चेस्ट फुलाई हुए, चेस्ट इन सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मिनिमम एक्सपेंशन, ठीक है, आपको क्लियर ये चीज देख लीजिएगा। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 76/5, ठीक है। अब देखिए और कुछ तो ज्यादा इस नोटिफिकेशन में निकल कर नहीं आया है, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है, एक्चुअली में ये 10 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, भैया मुझे नोटिफिकेशन में ये प्रॉब्लम है बताइए, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं आपको कॉमेंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं बार बार बोल दूं कि
कल शाम को 4 बजे एसएससी जीडी के बारे में डिस्कस करूंगा। टाइम याद रखिएगा सक्सेस की 98 पर। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आप कल शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़ पाए, क्योंकि बिहार पुलिस की तैयारी तो अभी तक कोई नहीं करवा रहा, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है यूट्यूब के ऊपर खास कर। तो हमारे चैनल बिल्कुल करवाएगा और आरपीएफ और एसएससी जीडी तीनों, ठीक है। तो कल सब कुछ डिस्कस करेंगे शाम को 4 बजे, ठीक है। सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद।